मेरा नाम सुधांशु है। जैसा कि आप सबको पता होगा मेरा सिलेक्शन इसलिए क्लब में हुआ है, तो बस यही क्या पूछना है। जर्नी कैसे रहा? तो मेरा मैंने क्लब का जब जो जर्नी था मेरा स्टार्ट हुआ नाबार्ड से मई 2019 में। मैं उस समय अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही था। मेरा भी परफॉर्मेंस शुरुआत में जैसा सबका होता है वैसा ही था, एकदम नॉर्मल। मैं भी बिलो में जाता था, मेरा भी यू कैटेगरी में आया फर्स्ट मंथ में। उसके बाद यहीं से मोटिवेशन मिला, लोग बोल के अच्छा कर रहे थे तो मुझे भी लगा मैं भी कर सकता हूँ, जब सब लोग करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने भी बहुत लोगों से टिप्स लिया कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे मैथ्स करना है, कैसे इंग्लिश करना है। इंग्लिश तो अभी भी नहीं हुआ, मैथ्स रीजनिंग हो गया। फिर उसके बाद हुआ सब कुछ हो गया, टाइम आया मेरा एग्ज़ाम देने का, दिए और जो एग्ज़ाम दिए पहला वो निकला। आगे देखते हैं क्या होता है। मैथ्स के बारे में बस वही था मेरा क्लब, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैथ्स में। जो बस वो क्लब का प्रैक्टिस हुआ, जो भी सेट था उसको अच्छे से रिव्यू करता था, एक क्वेश्चन को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैं छोड़ता था रिव्यू में, खुद से होता था। खुद से मेरे भैया ऐसे ऐसे क्लब में उनसे पूछता था, उनसे नहीं होता था तो जो क्लब जो रहते थे उनसे पूछता था, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन करता था। यही हुआ बस हम क्लब से ही किए, बस अच्छे से रिव्यू करने से हो जाता है किसी का भी मैथ्स का। रीजनिंग का भी प्रैक्टिस ही हुआ, कोई एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं किए क्लब के अलावा। जो मेरा है वो क्लब से ही है बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। मैथ्स में अटेम्प्ट मेरा पीटी में होता है कि हम जैसे क्लर्क का पीटी है तो हम स्टार्टिंग से जाते हैं, छोड़ते नहीं है क्वेश्चन मैथ्स का। और पीओ वाला है तो थोड़ा वो देख के पता चल जाता है कि इसमें टाइम लगने वाला है। डी आई हाँ एग्जाम का ही, एग्जाम का ही मान लो डी आई आगे सुनते हैं उसमें देखते ही पता चल जाता है कैलकुलेटिव है, बनने वाला है जल्दी कि नहीं। हमारे पास 20 मिनट होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं तो उसी के हिसाब से करते हैं कि ये बनने वाला है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देते हैं पाँचों को पाँचों के। एक ऐसा चीज को क्या है जिसके कारण हम पाँच लोग का वहाँ पे हम लोग वो है कंटिन्यू थी, मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। वो तो बहुत लोग करते हैं ना, कुछ स्पेशल वही सबसे नहीं होता, बस कभी भी छोड़ना नहीं। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन शुरुआत में बोले ना, मुझे भी बोर्ड पे आना था, वही मेरा मोटिवेशन। मुझे भी क्लब में कुछ क्या बोले अच्छा परफॉर्म करना था। पहले बिलो में जाता था, अवर में जाने का सोचता था, अवर में जाने का सोचा, कभी कभी बोर्ड पे आओ, वही सब यही मोटिवेशन था। मतलब हमेशा कुछ ज़्यादा करने का, मैं जो आज हूँ कल मेरा उससे बेटर है, जितना मुझे आज आ रहा है कल उससे ज़्यादा आ रहा है। अभिषेक और राज का क्या योगदान है? वो तो दोस्त हो गए। पीएनपी के बारे में कुछ अच्छा लगने लगा मेरा यहाँ, अच्छा था सब कुछ। अच्छा ग्रुप कौन सा? सबसे अच्छा ग्रुप मेरे लिए नाबार्डी था, क्योंकि बहुत सारे कारण, सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ टाइम स्पेंड बहुत किया हम लोग सबसे ज़्यादा। जो भी लॉकडाउन में जो भी ग्रुप जिसका भी था वो सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से अपना अपन हो ही जाता है, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड किए तो हो गया अच्छा। हो थैंक यू।